की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि युद्ध के अंत की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार देने का फैसला किया है। जी हाँ, सरेंडर का सवाल ही नहीं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा ऐसे ही हम उन्हें पीछे से प्रोटेक्शन देते रहेंगे, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये साफ साफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल की मुलाकात के दौरान कह दिया है। यानी मोर्चे दोनों तरफ से खुल चुके हैं। रशिया कह रहा है कि वॉशिंगटन में जो मुलाकात हुई है उससे शांति वार्ता के अब तमाम विकल्प बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका कई वेपन्स की मदद कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और वहां पर जो ज़ेलेंस्की कहते हैं वो बहुत ज्यादा अहम। उन्होंने कहा कि हम शांति की बात जरूर करते हैं, हम शांति के दूत जरूर हैं, लेकिन जंग में पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि रशिया से लोहा लेते रहेंगे और अमेरिका इस पर साफ कर रहा है कि वो ज़ेलेंस्की की मदद यानी कि यूक्रेन की मदद इस जंग में करते रहेंगे। मैरिट, दैट इज वन। ओह गॉड, लव इट। यस, दैट इज फ्रॉम हिम एंड आई हैव द लिस्ट, ही रोट द लिस्ट। यस, आई डिडंट रीड, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई डोंट रीड, इट्स नॉट माय, इट्स इन यूक्रेनियन लैंग्वेज, बट हियर द ट्रांसलेशन, इट्स फ्रॉम हिम। His name is, I have his name, I can contact him. Yes, Pavlo. Pavlo. Well, undeserved, but much appreciated.